मंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति भवन पर धरना देने निकले जेएनयू के छात्रों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पिछले एक महीने से प्रदर्शनों का दौर जारी है, जिसकी वजह से छात्रों ने राष्ट्रपति भवन पर धरना देने का फैसला किया। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। बीकाईजी कामा प्लेस में तो छात्रों ने बैरिकेड तक गिरा दिए। पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। सारे बैरिकेड को, सारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ के, दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था की गई थी उसे तोड़ के छात्र जब आगे बढ़ रहे हैं और ये दूसरे रास्ते से राष्ट्रपति भवन जो कि जाने का इन लोगों ने पहले से ही मांग की थी कि वो राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं इस मुद्दे पर, और वो राष्ट्रपति भवन की ओर जाएंगे। भगदड़ मचने से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। हालात जब ज्यादा बिगड़ गए तो पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने लाठी चला दी। आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस ने लाठी चला दी है। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठी चला दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लाठी लेकर के यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लाठी चार्ज और हंगामे के बीच कुछ पुलिस वाले एक छात्रा पर बुरी तरह टूट पड़े। उसे नीचे गिरा दिया गया। आरोप है कि इस दौरान उसे घूंसे भी मारे गए। पुलिस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। कई छात्र तो घबराकर बचने के लिए भागते दिखाई दिए, जबकि कुछ छात्रों ने आपा खोकर पुलिस वालों पर हमले की भी कोशिश की। पुलिस की ये कार्रवाई काफी देर तक चली। छात्रों को राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हर तरह से कोशिश की गई।